भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे, जहां उनका स्वागत तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किया, जिसमें बिहार के पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, प्रेम कुमार, पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद समेत तमाम बीजेपी सांसद विधायकों ने पटना एयरपोर्ट पर स्वागत किया। आपको बता दें, जेपी नड्डा राजधानी पटना में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पटना एयरपोर्ट की, जहां पर तमाम बीजेपी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। आपको बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में बापू सभागार में आयोजित कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा पार्टी के सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करेंगे और बैठक भी करेंगे। आपको बता दें, महिला आरक्षण पर जो बिल आई है, उसको लेकर महिला मोर्चा द्वारा उनका अभिनंदन भी किया जाएगा। संसद में पेश किए गए 33% आरक्षण की बात हुई, इसको लेकर जो भी महिलाएं जो है खुश है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का महिलाओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। चलिए सामने साथ जाइए, पूछ लो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नड्डा रहे हैं, किस तरीके से इसको दिख रहे कार्यकर्ता? अब स्वागत होगा आज का जो कार्यक्रम है, हम सबों के लोकप्रिय नेता कैलाशपति मिश्र जी का शताब्दी समारोह जा करके है। उस पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, तो आज हम सबों के लिए आज का दिन जो है बिहार के राजनीति में बड़ा महत्व रखता जा करके है। और माननीय नड्डा साहब हमारे राष्ट्रीय जो आए हैं, उनका स्वागत करेंगे जा करके, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जा करके है। और कैलाश जी का बहुत बड़ा योगदान था राजनीति में जा करके, उनको हम याद करेंगे। जातीय जनगणना को किस तरीके से देख रहे हैं? सीएम होना चाहिए, बिल्कुल बेशक। हम तो कहेंगे नीतीश कुमार को इस्तीफा करना चाहिए, तेजस्वी यादव को इस्तीफा करना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी जो पिछड़ों का जा करके है, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री हो, उपमुख्यमंत्री हो जा करके, बिहार का मंत्रिमंडल जो है उसमें उसी हिसाब से होना चाहिए, मेरा मांग है जा करके। हाँ बोलिए। संगठन के हमारे जो शिल्पकार थे, उनकी जन्म शताब्दी है और भारत के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की एक रीति है, कल्चर है, इसका बहुत बड़ा परिचायक है कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, हमारे शिल्पकार को। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और ये उत्साह जो है एक नया स्वरूप लेगा। जातीय जनगणना किस तरीके से देख रहे हैं? जातीय जनगणना क्या है? लेकिन साफ तौर से सभी नेताओं ने इतनी खुशी की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, इससे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका मनोबल बढ़ेगा। सर, सर जो आंकड़े आए हैं उसमें बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, अभी आके बढ़िया से बोलेंगे। सर 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 बढ़िया 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 से बोलेंगे 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 देखिए 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 उस पर बोलेंगे अब स्थिर से बाबू। राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं आपका, आपके क्या? देखिए, बिहार के लिए ये हम सबों के लिए, बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार आगमन हो रहा है और स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी जो हम सबों के मार्गदर्शक रहे हैं, उनके जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेंगे और सभी कार्यकर्ता उनके ओजस्वी वाणी से हम सब लाभान्वित होंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। जाति आधारित गन्ना का रिपोर्ट आया, देखिए वो ये जातीय घोटाला के रूप में लगता है कि सामने आएगा। कई परिवार छूटे हैं और किसी भी सामाजिक वर्ग के आंकड़े उसके अनुरूप नहीं आ रहे हैं, तो लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। पहुंची थी सर्वे की रिपोर्ट? हाँ, मेरे कटिहार में पहुंचे। हो गया है ये पूरा का पूरा 500 करोड़ को डकार लिया गया है, फर्जी आंकड़ा है, फर्जी आंकड़ा।